बिछड़ा वो इस तरह से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे जहान को वीरान कर गया। यही वीरानी छाई है इस वक्त नरवरा ईदगाह श्रीनगर में, जहां पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी का खानदान उनका मातम मना रहा है, सोग में है। 29 अक्टूबर ये वो दिन था जब मसरूर वानी ईदगाह ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक एक दहशतगर्द ने उन पर हमला कर दिया। इस नामालूम शख्स ने मसरूर की आंख, पेट और गर्दन पर गोलियां चलाई। जब मसरूर के साथ ही इस दहशतगर्द के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागे तो उसने हवा में गोली चलाई और वहां से फरार हो गया, जिसके बाद इंस्पेक्टर मसरूर को फौरी तौर पर सोरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा था। ताहम उन्हें बुध को हवाई जहाज से एम्स दिल्ली ले जाया गया, जहां वो लाइफ सपोर्ट पर थे और डॉक्टर्स की टीम की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद कल दोपहर वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। मसरूर, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे थे, अपने पीछे माँ बाप, एक बाई और बीवी को छोड़ गए, जो कि अपनी कोख में मसरूर की मोहब्बत पाल रही थी। कुछ महीनों की हामला थी। मसरूर की मौत उसके प्यारों, खानदान और साथियों के लिए एक नाकाबले तलाफी नुकसान है, जिसकी भरपाई कहीं भी नहीं हो सकती और किसी सूरत में नहीं हो सकती। आज सुबह से नरवरा का ये इलाका मसरूर के परिवार की चीखों पुकार से गूंज रहा है। हर आंख नम है, हर दिल अफसुरदा है। आज सुबह इंस्पेक्टर मसरूर वानी की लाश को उनके घर पर लाया गया, जहां उनके खानदान वालों के साथ मिलकर पुलिस अफसरान और अहलकरान ने उनको खराज तहसीन पेश किया और उनके खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर बेन ने कहा है कि मसरूर वानी की मौत ने उनके साथियों और चाहने वालों में एक गहरा नुकसान छोड़ा है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के अहलकार हर वक्त अपनी ड्यूटी पर फाइज होते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते रहते हैं। उन्होंने मसरूर वानी के खानदान वालों से ताजियत करते उनके साथ खड़े होने का हौसला दिया है। वहीं मसरूर वानी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम अफसरान और दीगर रैंक को हिदायत दी है कि वो छुट्टी पर या ड्यूटी पर होते हुए SOPs पर अमल करें, ताकि ऐसे वाकात से बचा जा सके। वहीं खराज तहसीन देते ADGP कुमार ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए एतराफ किया कि पुलिस के पास 29 अक्टूबर को दहशतगर्दों के मुमकिन हमले के बारे में मालूमात थी, लेकिन बाज़ोकात गलतियां हो जाती हैं और इस मामले में भी गलती हुई, जिसमें होनहार अफसर को हमने खो दिया। उन्होंने मजीद कहा कि ईदगाह जैसे वाकात से बचने के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया गया है। वानी के कत्ल में मुलविस हमला आवरू के बारे में मीडिया के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुलविस अफराद को जल्द ही खत्म या गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जारी तहकीकात के बारे में कुछ भी जाहिर करना मुनासिब नहीं है। इसी बीच इंतजामिया और पुलिस के सीनियर अफसरान ने नम आंखों के दरमियान DPL में इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी के फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब में शिरकत की और उन्हें दुनिया से रुखसत किया।